आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरें। सोलह जुलाई को पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। मौसम खराब होने पर सड़क मार्ग से जा सकते हैं जालौन। एसपीजी ने की समीक्षा बैठक। ताजमहल का सर्वर डाउन, 3 घंटे से ऑफलाइन टिकट के लिए परेशान पर्यटक। ऑनलाइन बुकिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम, सुधार में जुटी थी। गोरखपुर में मासूम का अपहरण, घर के बाहर खेलते समय हुआ गायब, पुलिस ने पड़ोसियों के घर में तलाशी की। सीतापुर में छात्रा से गैंगरेप, धमकी देकर छात्रा का मुंह बंद करा दिया, 7 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। जर्जर मकान का छज्जा गिरा, बाल बाल बचे। श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के पुराने गेट के पास हुआ हादसा, लोगों ने जताई नाराजगी। आगरा में देवी की मूर्ति को किया खंडित, गालव में तैनाव। देवी मंदिर में जुटी श्रद्धालु की भीड़, पुलिस कर रही छानबीन। बिजनौर में कावड़ यात्रा शुरू, यूपी बॉर्डर पर ड्रोन कैमरों से तैनाती। मोटा महादेव सिद्धपीठ पर बनाए गए कंट्रोल रूम। सीसीटीवी से होगी कावड़ शिविरों की निगरानी, बिना अनुमति नहीं चलेगा कोई कावड़ शिविर, कंट्रोल रूम भी बना। सिपाही को कार की बोनट पर घुमाने का वीडियो वायरल, गाजियाबाद में हादसा कर भाग रहे ड्राइवर को सिपाही ने रोका था, एक गिरफ्तार। सड़क हादसे में 2 की मौत, एटा में तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को मारी टक्कर, सड़क पर पड़े मिले दोनों के शव। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, पेट्रोल पंप से कैश लूट कर भाग रहे थे बदमाश, 2 फरार। शाहजहांपुर में पुलिस के सामने चले लाठी डंडे, जमीन की पैमाइश के दौरान पूर्व और वर्तमान प्रधान पक्ष भिड़े। 2 दिवसीय दौरे पर सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। मुरादाबाद में युवक को गोली मारी, 4 हमलावर गोली मारकर भागे, भाई के साथ खड़ा था युवक। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में छात्रा ने किया सुसाइड, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी छात्रा, हॉस्टल रूम में पंखे से लटका मिला शव। भदोई में खंड शिक्षा अधिकारी से दुर्व्यवहार, शराब के नशे में धुत होकर कार्यालय पहुंचा था शिक्षक, अधिकारी ने किया निलंबित। घर के बाहर नहा रही बच्ची का अपहरण का मामला, गड्ढे में जिंदा दफनाने की कोशिश, पुलिस ने 2 युवकों को अरेस्ट किया। फरार दोनों बदमाशों के भागने का सीसीटीवी, रायबरेली की 5 और लखनऊ पुलिस की 3 टीम कर रही बदमाश की तलाश। उन्नाव में सावरिया होटल सील, मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहा था होटल, नक्शा भी नहीं हुआ था पास। जौनपुर में मंदिरों में ड्रोन से होगी निगरानी, कावड़ियों के लिए 2 किलोमीटर पर 2 पुलिसकर्मी की होगी ड्यूटी। पूर्व प्रधान की जमीनी रंजिश में हत्या, खेत पर गया था किसान, घात लगाकर बैठे हथियारों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। बाराबंकी में सपा विधायक को भाई का मकान कुर्क, 95 लाख आकी जा रही कीमत, बीते साल भतीजे पर लगा था गैंगस्टर एक्ट। इटावा में महिलाओं ने खेतों में चलाया हल, ढोल मंजीरा बजाकर गाया गीत, मल्हार कहा इंद्रदेव खुश होंगे तो बारिश करेंगे। हापुड़ में अधिवक्ता ने किया विधायक का घेराव, न्यायालय भवन की स्थापना को लेकर दिया ज्ञापन। कुशीनगर में बहू ने खत्म कराई 20 साल की दूरियां, 60 साल के सास ससुर को मिलवाया, बुढ़ापे में मिले तो छलक पड़े आंसू। पारिवारिक विवाद में चले लाठी डंडे, पुलिस बनी तमाशबीन, दोनों तरफ के लोग अवैध असलाहों से लेस, बड़ी वारदात होने से बची। सावन को लेकर पुलिस अलर्ट, बॉर्डर की चौकी के निरीक्षण को पहुंचे एसपी, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से रेप का आरोपी गैंगस्टर घायल, 2 गिरफ्तार, असलहे और बाइक बरामद।
सीतापुर में सड़क हादसे में दो मासूमों की मौत। ट्रैक्टर ने साइकिल को मारी टक्कर, भागते समय खाई में पड़ा ट्रैक्टर, चार घायल। ऑटो वाले अंकल ने किया रेप, 5 साल की बच्ची ने परिजनों को बताई घटना, बोली चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया घर। अलीगढ़ में आवारा पशुओं के आतंक से जा रही है लोगों की जान, आवारा पशुओं से प्रशासन अधिकारी अनजान। औरैया पहुंचा सेना के जवान का पार्थिव शरीर, लद्दाख में भारतीय सेना में हवलदार पद पर था तैनात। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की बाइक के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल, 4 देसी तमंचा बरामद। बुलंदशहर में दबंगों द्वारा महिला को बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने, मारपीट में महिला हुई गंभीर रूप से घायल। देवरिया में छोटी बहन ने बड़ी बहन की हत्या की, तलाक के बाद 8 साल से मायके में रहती थी महिला। बुलंदशहर में गरीब परिवार को नहीं मिल रहा इंसाफ, गरीबों पर गरज रहा माफियाओं पर बुलडोजर, अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। फरुखाबाद में युवक की मौत, दावत खाने का युवक की निर्मम हत्या, गांव के बाहर पड़ा मिला युवक का शव। हरदोई में श्रावण मास की शुरुआत से कांवड़ियों की यात्रा प्रारंभ, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की। लखीमपुर खीरी में 3 दिनों से लापता बुजुर्ग का मिला शव, गन्ने के खेत में मिला अधखाया शव। रायबरेली में सावन महीने के पहले दिन गूंजा हर हर महादेव, सुनाई दी जय ओम शुभकारा की गूंज। संभल में फिर गर्जा बुलडोजर, जमीन से कब्जा हटाने पहुंचे 5 बुलडोजर, इलाके में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने हेरोइन के साथ 4 नफर अंतर्राज्यीय तस्कर किए गिरफ्तार। सुल्तानपुर में एसपी ऑफिस के सामने शव रखकर प्रदर्शन, प्रॉपर्टी के लिए ददिहाल वालों पर किशोर की हत्या का आरोप। अयोध्या पहुंचे जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, सरयू में स्नान किया, वस्त्र त्यागे, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धारण किया भगवत वस्त्र। औरैया में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी का किया विरोध, प्रदर्शनकारियों ने मंत्री और वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल डालकर युवती के घर के सामने लगाई खुद को आग, युवक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में मंदिर से पुजारी के मोबाइल चोरी करने का वीडियो आया सामने, चोरों ने मंदिर में मांगी माफी। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसा कमर, यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। बुलंदशहर में हाईटेक हुई, पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। फिरोजाबाद में दबंग प्रधान ने दलितों का रास्ता किया बंद, दलित महिलाओं को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। हमीरपुर में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग लगने के बाद सिलेंडर फटने से धमाका। कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों की फायरिंग से भागी पुलिस, पब्लिक ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। सीएम योगी से मजदूरों ने की रवि किशन की शिकायत, कहा सांसद ने गृह प्रवेश कार्यक्रम में काम कराया, मजदूरी नहीं दी, करेंगे आत्महत्या। शाहजहांपुर के खुचार थाना क्षेत्र सीएचसी में सरेआम गुंडई मेडिकल कराने गए पक्ष को लाठी डंडों से पीटा। श्रावस्ती में सड़क हादसे में मासूम समेत महिला की हुई दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने प्रदर्शन की चेतावनी दी, प्रवक्ता ने मॉल को लव जिहाद का अड्डा बताया। देवरिया में नशे में धुत सिपाही ने मचाया उत्पात, बुलडोजर को दिया, बेल्डरों को दिया गाली, वीडियो पर। पालतू पिटबुल कुत्ता बना हैवान, बेटे के पालतू पिटबुल ने ली मां की जान, छत पर टहलाने के दौरान किया हमला। स्विमिंग पूल में नहाने गए बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, मालिक ने पहले मारे 6 थप्पड़ फिर गर्दन झुकाकर पीठ पर बरसाई घूंसी।
आगरा की घटना से मुरादाबाद के चेरी में अलर्ट गेट पर चेकिंग के बाद मिल रही एंट्री, बंदियों की सुरक्षा भी बढ़ाई। सुल्तानपुर में भू माफियाओं की दबंगई का वीडियो वायरल, जमीनी विवाद में 9 लोगों पर बरसाई लाठियां। विधायक के गोद लिए विद्यालय की हालत खस्ता, बोले बिल्डिंग की होगा पुनर्निर्माण, संबंध में अधिकारियों से करेंगे बात। आगरा में शराबी के उत्पात का वीडियो वायरल, प्रधानाध्यापक ने घर के बाहर गाली देने से रोका, चाकू लेकर घर में हमला करने की कोशिश। स्कूल में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, प्रधान के बेटे का था बर्थडे, वीडियो सामने आने पर मचा हड़कंप। कैबिनेट मंत्री की गुरु पूर्णिमा पर संजय निषाद बोले, मैं निषाद राज का वंशज हूं, शिष्यों ने उतारी आरती। दौड़ में मुंह के बल गिरे पूर्व बीजेपी सांसद, बिजनौर में 100 मीटर की रेस लगा रहे थे, 4 कदम दौड़ते ही गिर पड़े। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयार, सुरक्षा के लिए लगाए गए 1500 जवान, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। शामली में लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या, 3 युवकों ने रास्ते में किया हमला, फायर भी की, दोस्त के साथ जा रहा था घर। अमेठी पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के घर पहुंचकर शोक संवेदना दी, 8 दिन पूर्व मंत्री के भाई का हुआ था। यूपी में राशन की दुकान बनेगी कॉमन सर्विस सेंटर, दुकानों पर बने आधार और पैन कार्ड, योगी ने साइन किया MOU। पीलीभीत में बारिश के लिए टोटके का वीडियो वायरल, जमीन पर लेटकर काले मेघ पानी दे गाकर युवक ने मांगी बारिश की दुआ। आजमगढ़ में 3 इंस्पेक्टर और 62 सब इंस्पेक्टर के तबादले, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तबादले किए गए। कानपुर में प्राथमिक स्कूल में शिक्षक ने महिला शिक्षकों से की बदतमीजी, शराब के नशे में पहुंचा स्कूल। उन्नाव में सीएससी का हाल बेहाल, लाइट ना आने पर बंद हो जाते हैं पंखे, मरीज और तीमारदार बहा रहे पसीना। जिम सेंटर से हुई 60,000 की चोरी, इन्वर्टर बैटरी और कसरत के सामान गायब, पुलिस बोली आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।